Yes, good morning all of you. In the last lecture, we have covered the state management technique. But which technique we have covered? View state and cookies. Okay, view state and cookies we have covered. Okay, 10 students are there. Okay, no problem. We have done a small program regarding of cookies. Okay, wait, I am sharing this screen. What is cookies? Yes, what is cookies? What is the use of cookies? Who will tell? What is the use of cookies? Yes, students, tell me fast. What is the use of cookies? Cookies are also used to store the controls data, page data. Okay, cookies is a client side based technique. So view state is also client side based technique. Okay, all are the client side based techniques. The cookies we have done, view state also we have done. How to create view state? Just write the view state. Okay, so give the name and how to view state variable any name. Okay, and equals to karke how. Whichever controls data you want to store, okay, write the name of that control, okay, and how to call the view state, same, okay. कैसे call करना है उसको जिसमें display करवाना है जो control है, first of all write that controls name and then equals to करके view state, okay, but dot to string लिखना है. In cookies, okay, in cookies. Cookies is used to store the small piece of text information. Okay, the information will be stored in client machine. Okay, that we have covered in the last lecture. Okay, cookies कहाँ पे store होगा? Client के machine में. Okay, client means जो browser use कर रहा है, ठीक है, जो request कर रहा है browser से user, उसके machine में the cookies will be stored. The path is given to you. D drive में cookies आपका store होगा. ओके, टाइप्स ऑफ कुकीज, टू टाइप्स का कुकीज है, परसिस्टेंट कुकीज एंड नॉन परसिस्टेंट कुकीज. ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू टाइप्स ऑफ कुकीज? परसिस्टेंट कुकीज मतलब क्या, जो कुकीज इंफॉर्मेशन सेव हो रहा है दैट विल बी स्टोर्ड परमानेंटली इन आवर सिस्टम. एंड नॉन परसिस्टेंट कुकीज मतलब क्या, जब तक हम लोग ब्राउजर ओपन किया है, ठीक है, व्हेन विल वी क्लोज द ब्राउजर, तो वो ब्राउजर में जो इन्फॉर्मेशन स्टोर हुआ था, ओके, एज अ कुकीज, वो लॉस्ट हो जाएगा. जब हम लोग ब्राउजर क्लोज करेंगे, एट दैट टाइम द कुकीज जो है वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा. कुकीज मतलब क्या, स्मॉल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन. आई टोल्ड यू इन द लास्ट लेक्चर, आई गिव द एग्जांपल, ठीक है, मैंने एग्जांपल दिया था कुकीज का. फॉर एग्जांपल, आप कोई आपका ब्राउजर ओपन करके साइन अप कर रहे हो, तो लॉगिन, सॉरी, साइन अप नहीं, लॉगिन, वेयर यू आर डूइंग लॉगिन, ठीक है, फर्स्ट टाइम लॉगिन करते हो कोई न्यू मशीन में, जीमेल में वगैरह, ठीक है, दे आर आस्किंग टू यू यू वांट टू स्टोर योर यूजर नेम एंड पासवर्ड, ठीक है, तो अगर आप यस पे क्लिक करते हो तो आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड वो ब्राउजर में स्टोर हो जाएगा, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिक, एंड देन एवरी टाइम आपको उसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्टली जब ओपन करोगे लॉग इन पेज वो पर्टिकुलर साइट का, तो ऑटोमेटिकली आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड वहाँ पे आ जाता है, तो आपको जस्ट ओके पे या तो सबमिट पे यू हैव टू क्लिक. ओके, तो वो स्टोर हो गया, ठीक है, तो जो स्टोर होता है वो कैसे स्टोर होता है, एज अ कुकीज स्टोर होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कुकीज, स्मॉल टेक्स्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन वी कैन स्टोर. ओके, इन एनी वेबसाइट्स में भी आप देखो कभी कभी आता है कि यू वांट टू एक्सेप्ट द कुकीज. ओके, मतलब क्या कुकीज, मतलब क्या, जो पहले थोड़ा इन्फॉर्मेशन जो हम लोग बार बार यूज करते हैं ना, फ्रिक्वेंटली सर्च इन्फॉर्मेशन जो है वो एज अ कुकीज स्टोर हो जाता है. तो दे आर आस्किंग टू अस, यू वांट टू स्टोर कुकीज, मतलब वो पेज का डेटा आपको स्टोर करके रखना है. ओके, तो अगर हम लोग यस करते हैं तो वो स्टोर हो जाता है, तो नेक्स्ट टाइम व्हेन वी विल ओपन द सेम पेज तो वो कुकीज रिटर्न होता है, ठीक है. So you can use cookies for your website as a login, में भी use कर सकते हो, as ऐसा कोई page जो है उसमें आपको use करना है control का data store करने के, तो you can also use the cookies same time. Okay, so two types का cookies है that we have covered in the last lecture, persistence and non-persistence. So persistence मतलब क्या, always, okay, permanent आपके data cookies जो है आपके system में store हो जाएगा, कहाँ पे store हो जाएगा, this is the path you can check, okay, in your system. सी ड्राइव डॉक्यूमेंट एंड सेटिंग करंट लॉगिन यूजर कुकीज, आपका जो आपने अगर क्रिएट किया होगा कुकीज, ओके, तो वो स्टोर हो जाएगा. यस, देन हाउ टू क्रिएट द कुकीज. ओके, आप उसको पर्टिकुलर टाइम के लिए भी स्टोर कर सकते हो, यू कैन स्टोर द कुकीज फॉर पर्टिकुलर टाइम. आप पर्टिकुलर टाइम के लिए भी कुकीज स्टोर कर सकते हो, तो उसके लिए आपको एक्सपायर यूज करना है. कौन सा मैथड यूज करना है, एक्सपायर कुकीज का, यू हैव टू यूज एक्सपायर मैथड. हाउ टू क्रिएट द कुकीज, फॉर क्रिएटिंग द कुकीज यू हैव टू राइट रिस्पॉन्स डॉट कुकीज. क्या लिखना है, response.cookies आपको लिखना है.
ठीक है, एंड उसको कॉल करने के लिए यू हैव टू राइट रिक्वेस्ट कुकीज, ठीक है, तो ये याद रखना है सिंटैक्स. ओके, देन नोन टाइप्स, जो नोन परसिस्टेंट कुकीज है परमानेंटली स्टोर्ड नहीं होगा. ओके, इट स्टोर द इंफॉर्मेशन ऑफ द यूजर एक्सेसिंग द सेम ब्राउजर, व्हेन यूजर क्लोज द ब्राउजर द कुकीज विल बी ऑटोमेटिकली डिलीटेड. ओके, तो दिस इज अ नोन परसिस्टेंट कुकीज, तो यू हैव टू रिमेंबर. ओके, तो एक एग्जाम्पल हमने कल किया था, ठीक है, क्रिएट कुकीज के लिए हमने एग्जाम्पल किया था. ओके, तो इसमें हमने जस्ट ये नहीं दिया था. ओके, हमने उसमें एक्सपायरी डेट नहीं दिया था, ठीक, एक्सपायर नहीं करवाया था कुकीज का. जब हम लोग एक्सपायर करते हैं कुकीज को, वी आर यूजिंग द एक्सपायर मेथड ऑफ कुकीज, बट ये मेरा हैंग क्यों हो गया है. ओके, चलो. ओके, से पहले हमने जो एग्जाम्पल देखा वो कहा है मेरा कर्सर, वेट, डेट. ओके, लास्ट डेट पोस्ट किया मैंने गूगल क्लासरूम में, सो यू हैव टू सबमिट द असाइनमेंट. ओके, असाइनमेंट वन, ओनली असाइनमेंट वन. ओके, असाइनमेंट टू नहीं लिखना है. विच आर दी क्वेश्चन, तो क्वेश्चन मैंने आपको क्वेश्चन बैंक में दिखाया है, ठीक है, वो क्वेश्चन आपको लिखना है एज असाइनमेंट वन. इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल द स्टूडेंट टू सबमिट द असाइनमेंट बाई टाइम. ओके, जो भी टाइम मैंने संडे दिया है, ठीक है, संडे, दिस संडे, बाय दिस संडे यू हैव टू सबमिट योर असाइनमेंट. ओके, आपको टर्न इन करना है. गूगल क्लासरूम में कैसे करोगे, अटैच योर असाइनमेंट एज ए पीडीएफ अटैच करो, ठीक है, जो भी नोटबुक में लिख रहे हो तो उसको इमेज निकाल के उसका पीडीएफ में कन्वर्ट करो एंड अटैच करो. ओके, एंड टर्न इन करो. टर्न इन करोगे तो वो मुझ तक आएगा, ओनली एड वर्क करोगे, टर्न इन नहीं करोगे तो वो नहीं आएगा मेरे तक, ठीक है. तो प्लीज टर्न इन करो असाइनमेंट एड करने के बाद, एड योर वर्क पे क्लिक करके अपना वर्क एड करो एंड टर्न इन करो, ठीक है. देन आई विल चेक द असाइनमेंट्स. दिस इज कंपल्सरी, ठीक है, स्टूडेंट असाइनमेंट इज कंपल्सरी, सबको लिखना ही है असाइनमेंट्स. इन द नेक्स्ट वीक आई विल पोस्ट दी असाइनमेंट टू, उसका जो डेट है वो मैं पोस्ट कर दूंगी, ठीक है. असाइनमेंट वन का मैंने ये संडे रखा है, नेक्स्ट संडे तक आपको असाइनमेंट टू का करना है, देन उसके बाद असाइनमेंट थ्री. ओके, यस, एंड प्रैक्टिकल तो साइड बाई साइड यू हैव टू परफॉर्म, ठीक है, जो मैनुअल मैंने दिखाया था सिलेबस, इन दिस सिलेबस लिस्ट में आपको सिलेबस में प्रैक्टिकल लिस्ट मेंशन किया हुआ है, ठीक है. आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि कैसे आपको लिखना है, क्या करना है, तो उसके हिसाब से भी करते थे. ऑलमोस्ट ऑल प्रैक्टिकल्स वी हैव डन. ओके, सारे मैंने आपको करके ही दिया है, ऑलमोस्ट सारे कंट्रोल्स का जो भी है प्रैक्टिकल्स सब ऑनलाइन कवर हो ही रहा है. तो जो आप इसमें से ये सेम यही प्रैक्टिकल्स भी यू कैन परफॉर्म एंड राइट इन योर प्रैक्टिकल्स. ओके, ओके, कुकीज हमने कल क्रिएट किया था. यूजर विल एंटर द नेम इन द टेक्स्ट बॉक्स, व्हेन यूजर विल क्लिक ऑन दिस बटन, ये बटन पे क्लिक करेगा तो क्या होगा, कुकीज स्टोर हो जाएगा इन द कुकीज वेरिएबल में, ठीक है. तो दिस कैसे क्रिएट करना है, दिस इज अ सिंटैक्स हमने देखा. रिस्पॉन्स डॉट क्रिएट कुकीज, सॉरी रिस्पॉन्स डॉट कुकीज, नेम दे दो कोई भी, डॉट वैल्यू, ठीक है, ये याद रखना है, डॉट वैल्यू एंड टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट टेक्स्ट, मतलब जो भी टेक्स्ट बॉक्स में यूजर एंटर करेगा उसका नेम आपको लिखना है. लेबल में मैसेज प्रिंट करवाया कुकीज क्रिएटेड एंड टेक्स्ट बॉक्स को ब्लैंक करवा दिया. इन बटन टू, ओके, इन बटन टू, व्हेन यूजर विल क्लिक ऑन द बटन टू, तो जो कुकीज है वो क्या हो जाना चाहिए, सेकंड टेक्स्ट बॉक्स में डिस्प्ले करवाना है, ठीक है. तो फॉर दैट वी हैव रिटन दिस कोड, इफ रिक्वेस्ट डॉट कुकीज, अगर नल है, वाई, ये हमको क्यों लिखना पड़ रहा है, बिकॉज कुकीज अगर हमने टाइम सेट किया तो थोड़े टाइम के बाद कुकीज क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, अभी हम लोग सेट कर रहे हैं टाइम, ठीक है. अगर नहीं है तो मैसेज डिस्प्ले होगा नो कुकीज फाइंड, अगर है कुकीज स्टोर है तो इट विल बी डिस्प्ले. तो उसके लिए रिक्वेस्ट डॉट कुकीज नेम ऑफ द कुकीज डॉट वैल्यू, व्यू स्ट्रिंग में वी आर राइटिंग द टू स्ट्रिंग, हम लोग लिखते थे कुकीज में आपको डॉट वैल्यू लिखना है. ओके, तो ये जो माइनर माइनर चीजें है यू हैव टू रिमेम्बर. ओके, यस, नाउ कुकीज हमने क्रिएट किया, नाउ वी वॉन्ट टू सेट द एक्सपायरी, हमको क्या करना है, एक्सपायरी सेट करना है. तो हाउ टू सेट द एक्सपायरी, मतलब जो इन्फॉर्मेशन स्टोर हो रहा है कुकीज में, ठीक है, नेम जो स्टोर होना है दैट वी वॉन्ट टू स्टोर फॉर पर्टिकुलर टाइम के लिए हमको स्टोर करना है, उसके लिए आपको क्या करना है, एक्सपायरी, सॉरी एक्सपायर्स मेथड यू हैव टू राइट इक्वल्स टू डेट टाइम
टू नाउ टू ऐड मिनट, ओके, मतलब अभी जो टाइम है ठीक है उसमें ऐड मिनट, 1 मिनट तक ही वो होना चाहिए, ठीक है। चलो हम लोग लिखते हैं, कहाँ पे करना है, कुकीज, व्हेन वी आर क्रिएटिंग कुकीज ना, सॉरी कुकीज हम लोग क्रिएट करते हैं उसके नीचे, आफ्टर क्रिएटिंग द कुकीज वी हैव टू सेट द एक्सपायरी, ओके। ये हमने कुकीज यहाँ पे क्रिएट किया, ओके, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स आ गया डॉट कुकीज डबल आ गया, ओके मेन, ओके नाउ डॉट, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे डॉट, ओके डॉट एक्सपायर आ गया, एक्सपायर्स इक्वल्स टू, ओके एक्सपायर इक्वल्स टू क्या लिखना था, क्या लिखना था, यस टुडेज डेट टाइम, ओके डेट टाइम टू नाउ, डेट टाइम नाउ डॉट ऐड मिनट्स, ठीक है हम लोग क्या ऐड करेंगे, मिनट्स ऐड करेंगे, ठीक है कितना मिनट्स, 1 मिनट के बाद वो जो है कुकीज वो क्या हो जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। नाउ वी आर सेविंग दिस पेज, ओके अभी हम लोग देखते रन करके, तो नाउ वी आर रनिंग दिस पेज, 1 मिनट के बाद वो कुकीज क्या हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। अभी कितना हुआ है, 8:49 हुआ है ना, देखते हैं वर्किंग हो रहा है कि नहीं, 8:50 हो गया, चलो उसको रन करने में 1 मिनट चला जाएगा, ओके पर 2 मिनट ज्यादा देना चाहिए था हमको, कोई बात नहीं चलो देख लेते हैं। ये शोएब आप एक दिन आते हो लेक्चर में फिर नहीं आते हो, क्या इश्यू है शोएब, पहले रेगुलर आते, काम में रहता नहीं था, मैं बाहर का इसलिए नहीं आया। ओके अभी तो करोगे रेगुलर अटेंड लेक्चर, ये जेरोल्ड है क्या लेक्चर में, जेरोल्ड का भी सेम है, बीच में रेगुलर था जेरोल्ड अभी नहीं आ रहा है। ये स्टूडेंट्स अटेंड करो, ओके गर्ल्स आर रेगुलर, गर्ल्स रेगुलर है अभी पक्का, अभी तो आता है रोज, अबे करम शाहजाद भी आते हैं, सूर्या भी नहीं है, सूर्या है नहीं है ना, सूर्या भी वेट, 1 मिनट हो गया ना, अभी वो कुकीज रिटर्न करता है कि नहीं देखते हैं, अगर वो रन होने के बाद काउंट करेगा देखते हैं भी कैसे काउंट कर रहा है, वेट रन कर रहे हो घर पे प्रोग्राम्स, कौन कौन रन कर रहा है घर पे प्रोग्राम्स, हु इज रनिंग द प्रोग्राम्स एट होम, हु इज प्रैक्टिसिंग, कोई भी नहीं कर रहा है, जिसके पास सिस्टम है वो लोग प्लीज प्रैक्टिस करो, इसके बाद हम लोग क्वेरी स्ट्रिंग कवर करते हैं, देख लो यस क्या हो गया, क्या हुआ एरर है, नहीं वेट अगेन आई एम रनिंग,
.NET का कोई इश्यू है क्या? एरर तो नहीं है, एरर शो नहीं कर रहा है। वेट, यस यू कैन राइट डाउन दिस कोड नोट इन नोटबुक आल्सो। ओके, स्मॉल स्मॉल कोडिंग है, आप लिख सकते हो नोटबुक में अगर आपको लिखना है तो। ठीक है, साइमल्टेनियसली लेक्चर्स में यू कैन राइट द कोड। Yes, yes, wait, wait. Yes, Kirti, आपने नोट डाउन किया है ना, सम क्वेश्चंस आर रिमेनिंग ना फ्रॉम यूनिट टू एंड यूनिट वन, टू टू थ्री क्वेश्चंस आर रिमेनिंग, आपने नोट डाउन किया है? कीर्ति, नशरा, एनीवन हैज नोट डाउन? जस्ट गो थ्रू दैट क्वेश्चंस, ओके, क्वेश्चन बैंक के जो क्वेश्चंस है उसको गो थ्रू करो, और जो टॉपिक्स बाकी है जस्ट मुझे व्हाट्सएप करो। यस मैम। अभी की जो साधन वगैरह, ठीक है, जो रोज आ रहे हैं प्लीज गो थ्रू द क्वेश्चन बैंक, फिर जो टॉपिक्स हमारे टू टू थ्री टॉपिक्स हम बाकी है, ज्यादा नहीं कुछ बाकी है, टू टू थ्री टॉपिक्स बाकी है, तो प्लीज नोट डाउन करके मुझे एक बार व्हाट्सएप कर दो, हम लोग को कवर कर लेंगे यूनिट वन एंड यूनिट टू दोनों में से। स्मॉल टॉपिक्स है, कुछ इतना है नहीं, बट सिलेबस में हमको दिया है तो वी विल कवर। यस, ये क्या हो गया है? वेट, कुकी तो अभी एक्सपायरी हो गया होगा, वन मिनट कब से हो गया ना। यस, वेट, ये हो रहा है। कुकीज एग्जांपल, नाउ वी लेट्स सी कि कुकीज जो है वो डिस्प्ले हो रहा है, स्टोर हो रहा है कि एरर आ रहा है। ठीक है, बिकॉज़ वी हैव गिवन द 1 मिनट ऐड किया था, 1 मिनट के बाद अगर मतलब वो एक्सपायर हो जाना चाहिए वैसे हमने सेट किया कुकीज। ओके, रिस्पांस डॉट कुकीज ब्रैकेट में कुकीज का नेम, वेरिएबल का नेम जो आपको देना है, डॉट एक्सपायर। ओके, डॉट एक्सपायर आपको क्या लिखना है, डॉट एक्सपायर इक्वल्स टू okay date time dot now dot add minutes, if you want to add seconds so you can also add the seconds। okay, आपको hour add करना है, day add करना है तो you can add। ठीक है, नीचे methods आएगा pop-up box में जो भी आपको add करना है। okay, हमने minute add किया था after 1 minute। okay, now see ये जो methods है, ठीक है, that you have to remember। okay, yes, in the next week na we will keep the session for uske liye hum log rakhenge as a revision ke liye। theek hai, okay, cookies created, yes it is written, return ho raha hai। okay, now abhi 8:55 hua hai na, 8:59 ko we will see। theek hai, hum log 8:59 ko check karte hain ki wo रिटर्न करवा रहा है कि नहीं। ओके, क्योंकि कुकीज जो है वो आफ्टर 1 मिनट जो है वो एक्सपायर हो जाता है। ठीक है, तो हमने, ठीक है,
ओके हमने उसको करवा दिया है, कभी किया 8:59 को. नाउ आफ्टर 1 मिनट वी विल चेक कि वो क्विज रिटर्न हो रहा है कि नहीं. ओके 1 मिनट के बाद हम उस पर क्लिक करेंगे. तो तब तक हम लोग न्यू एक जो है कुकीज के बाद जो क्वेरी स्ट्रिंग है, ये क्वेरी स्ट्रिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं. ओके व्यू इज ऑल्सो स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक्स, कुकीज इज ऑल्सो स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक्स. Client side now query string is another state management technique that is also at the client side पे है, ठीक है? What is query string? Let's see. A query string is one of the techniques in which web programming application to send data from one web form to another. Okay, through the URL means now we can transfer the data of the control of the page from one page to another page. Now in about two methods. Okay, in both the methods. आपका जो डेटा जो स्टोर हो रहा था, ठीक है, डेटा विच आर स्टोरिंग, तो वो सेम पेज में वी कैन डिस्प्ले. ओके इफ यू वांट टू डिस्प्ले द डेटा इन द सेकंड पेज तो यू कैन नॉट डिस्प्ले, बट यूजिंग द क्वेरी स्ट्रिंग यू कैन डिस्प्ले दैट स्टोर डेटा इनटू द सेकंड पेज. ओके अनदर पेज पे आप कंट्रोल्स का डेटा डिस्प्ले करवा सकते हो. एक क्वेरी स्ट्रिंग कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, फील्ड एंड वैल्यू. फॉर एग्जाम्पल कभी कभी देखो आप ना लॉग इन करते हो, ठीक है, कोई वेबसाइट पे लॉग इन करते हो, तो आफ्टर लॉग इन तो वो कोई पेज ओपन होता है तो उसमें लिख के आता है वेलकम योर नेम, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल मैंने लॉग इन किया एज ए भाग्यश्री वगैरह पासवर्ड डाला, जब मैं नेक्स्ट पेज पे जाती हूँ तो वो लिख के आएगा वेलकम भाग्यश्री ऐसे, ठीक है. तो वो क्या है, मतलब एक पेज का डेटा सेकेंड पेज में जा रहा है. ठीक है, वन पेज का डेटा जो मैंने यूजर नेम में जो नेम डाला था भाग्यश्री, ठीक है, वो सेकेंड पेज पे डिस्प्ले हो रहा है. जो टेक्स्ट बॉक्स में मैंने नेम डाला, नेम इज डिस्प्ले इन द सेकेंड पेज, ठीक है. तो वो कैसे करते हैं, सेशन थ्रू भी करते हैं, क्वेरी स्ट्रिंग थ्रू भी करते हैं. ओके फिर जो सेकंड पेज मेरा नेम डिस्प्ले हुआ भाग्यश्री, वही फिर हर एक पेज में यूज होना चाहिए, ठीक है. तो ऐसा अगर आपको करना है तो यू कैन यूज दिस सेशन और क्वेरी स्ट्रिंग. तो सेशन आपने अभी पढ़ा नहीं है, इसके बाद हम लोग सेशन पढ़ेंगे. बट क्वेरी स्ट्रिंग क्यों यूज होता है, डेटा स्टोर करने के लिए होगा, बट नाउ जो स्टोर्ड डेटा है ना दैट वी कैन डिस्प्ले इन दी अनदर पेजेस, ठीक है. हम लोग अनदर पेज में, सेकेंड पेज में और फिर पेज में वी कैन डिस्प्ले दैट डेटा. कौन सा डेटा, कंट्रोल्स का जो स्टोर किया हुआ डेटा जो है. What is control? मतलब क्या, टेक्स्ट बॉक्स लेबल ऑल आर द कंट्रोल्स, ठीक है. ऊपर भी हमने वही किया, व्यू स्टेट में भी यानी क्वेरीज कुकीज में भी वी आर स्टोरिंग द डेटा ऑफ द कंट्रोल्स, बट वी आर डिस्प्लेइंग दैट डेटा ऑन द सेम पेज. हम लोग सेम पेज पे डिस्प्ले करवा रहे हैं, हम लोग सेकंड पेज पे डिस्प्ले नहीं करवा सकते. बट इफ यू वांट टू डिस्प्ले द स्टोर्ड डेटा इन द सेकंड पेज एट दैट टाइम यू कैन यूज द क्वेरी स्ट्रिंग, ठीक है. तो क्वेरी स्ट्रिंग जो आप क्रिएट करते हो, ठीक है, एट द टाइम ऑफ क्वेरी स्ट्रिंग वो कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स. ओके और वो जो क्वेरी स्ट्रिंग है वो आपको कहाँ पे दिखेगा, यूआरएल में दिखेगा. ओके आई विल शो यू कि कैसे वो यूआरएल में दिखता है. एक क्वेरी स्ट्रिंग कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, फील्ड एंड वैल्यू, एंड ईच ऑफ पेयर सेपरेटेड बाय द एम्परसेंड. दैट इज अ सिंटैक्स, इन्होंने सिंटैक्स बोला है. द क्वेश्चन मार्क इन क्वेरी स्ट्रिंग इंडिकेट्स द बिगिनिंग ऑफ क्वेरी स्ट्रिंग एंड इट्स वैल्यू, ठीक है. हम लोग अभी रन करेंगे, देन यू विल गेट द आइडिया कि ये क्या है. देयर इज अ लिमिट ऑन द क्वेरी स्ट्रिंग लेंथ, हेंस क्वेरी स्ट्रिंग कैन नॉट बी यूज्ड टू सेंड वेरी लॉन्ग डेटा. मतलब वी कैन नॉट स्टोर दी लॉन्ग टेक्स्ट. ओके लॉन्ग डेटा हम लोग स्टोर नहीं कर सकते. स्मॉल डेटा जो है उसका लेंथ है, आई थिंक कुछ तो उसका बिट्स या तो बाइट्स में, सॉरी बाइट्स में उसका लेंथ है. तो वो लेंथ जो है उतना लेंथ ही वी कैन स्टोर इन द क्वेरी स्ट्रिंग, उतना ही डेटा वी कैन स्टोर इन द क्वेरी स्ट्रिंग. हम लोग उससे ज्यादा डेटा स्टोर नहीं कर सकते. क्वेरी स्ट्रिंग्स आर विजिबल टू यूजर्स, हेंस शुड नॉट बी यूज्ड टू send sensitive information such as username and password unless encrypted. Okay, अगर हमारा जो डेटा है एक पेज में से सेकंड पेज में ट्रांसफर हो रहा है, जो स्टोर किया हुआ डेटा, बट जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज, द डेटा इज सेंड टू द यूजर्स. ओके डेटा क्या है, यूजर को दिखेगा, कहाँ पे दिखेगा, इन द यूआरएल में दिखेगा. तो इट इज नॉट सेफ, सिक्योर नहीं है, ठीक है. तो इसलिए हम लोग उसको सेंसिटिव डेटा जो है, यूजर नेम एंड पासवर्ड जो है, वो सारी चीजें हम लोग नहीं ट्रांसफर करवा सकते. That is sensitive data. Password हम लोग transfer करवाएंगे तो वो तो query string में दिखेगा, तो it is not sensitive, मतलब it is not secure ना, वो secure नहीं है, ठीक है. अगर उसको हम लोग encrypt किया तो चलेगा, but encrypt you don't know how to encrypt that data, ठीक है. तो to retrieve the query string value use request objects. Okay, query string create करने के लिए भी syntax है, उसको retrieve करने के लिए we have to use request. हमको use करना है, कैसे करना है हम लोग देखते हैं. See, जैसे उन्होंने एक design किया है, query string name last name and submit button. When user will click on this button, अगर जो भी name and last name डाला था, this data, okay, will be display on the second page. दूसरे page में display होगा. कौन से page में display होगा? दूसरे page में. Same page में नहीं.
when user will click on submit button na, the name and last name jo hai wo query string mein store ho jayega and wo kaafi display hoga on the second page, kaafi display hoga. Submit pe click karega to second page mein display hoga. This is second page. Okay, sorry. Okay, second page mein display hoga. Kaafi display ho raha hai second page mein. See, this is the first page. So you will enter the name, first name, last name. When you will click on the submit button, तो जो आपने डेटा डाला है वो सेकंड पेज पे डिस्प्ले होगा. कौन से पेज में? सेकंड पेज में. हाँ, बट जब डेटा ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम वन पेज टू सेकंड पेज, तो यू कैन सी यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है यूआरएल में. ठीक है, कि फर्स्ट नेम सचिन है, लास्ट नेम तेंदुलकर है. ठीक है, तो जो डेटा जो हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं वन पेज टू सेकेंड पेज में, तो डेटा आर सेंड टू द यूजर. ओके, इन द यूआरएल में वो दिखेगा. तो इट इज नॉट सेफ, ये सेफ नहीं है. ठीक है, हाँ, अभी नॉर्मल इन्फॉर्मेशन जैसे फर्स्ट नेम लास्ट नेम वो चलेगा, बट पासवर्ड वगैरह जैसे इन्फॉर्मेशन अगर आपको ट्रांसफर करवाना है वन पेज टू अनदर पेज, तो वो हम लोग नहीं करवा सकते. ठीक है, एट लास्ट वो आप पे डिपेंड है कि आपको क्या रिक्वायरमेंट चाहिए. तो दिस इज अ क्वेरी स्ट्रिंग. क्लियर? तो हम इसका एग्जाम्पल करेंगे, देन यू विल गेट द आइडिया व्हाट इज क्वेरी स्ट्रिंग. तो क्वेरी स्ट्रिंग में भी वही हो रहा है, कंट्रोल्स का टेक्स्ट बॉक्स का डेटा ही स्टोर हो रहा है, बट वी कैन डिस्प्ले दिस डेटा इन द सेकेंड पेज. ओके, व्यू स्टेट एंड कुकीज में भी कंट्रोल का डेटा स्टोर हो रहा था, बट हम लोग सेम पेज में डिस्प्ले करवाते थे. अभी सेकंड पेज में हम लोग डिस्प्ले करवा सकते हैं. क्वेरी स्ट्रिंग का जो डेटा है वो कहाँ पे दिखेगा? आपको यूआरएल में दिखेगा. जो डेटा हम लोग ट्रांसफर करवा रहे थ्रू द क्वेरी स्ट्रिंग, द डेटा विल बी डिस्प्ले इन द यूआरएल ऑल्सो. ओके, यूआरएल में वो डिस्प्ले करेगा. नाउ इसको भी हम लोग देखते हैं. ओके, सी, नो कुकीज फाउंड. देखा, नो कुकीज फाउंड. यस स्टूडेंट्स, अभी मैंने क्या क्लिक किया? रिटर्न कुकीज. ठीक है, मैंने पहले भाग्य से एंट्री करके रखा, क्रिएट कुकीज करके रखा, मैं उसको वन मिनट के बाद रिटर्न करवा रही हूँ. तो क्या मैसेज आया? नो कुकीज फाउंड. व्हाई? व्हाई? क्योंकि जो कुकीज था वो वन मिनट के बाद एक्सपायर हो गया. तो यू कैन सेट द कुकीज लाइक दिस. ओके, इफ यू वॉन्ट टू सेट द कुकीज, स्टोर द कुकीज फॉर पर्टिकुलर टाइम के लिए, तो आप पर्टिकुलर टाइम के लिए स्टोर करवा सकते हो. क्लियर शाहजाद? दिस इज क्लियर. एक्सपायर कुकीज, एक्सपायर कैसे करना है? ओके, सो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग है. ठीक है, तो यू कैन यूज इन योर प्रोजेक्ट. ओके, अगर आप प्रोजेक्ट कर रहे हो, ठीक है, तो ये सारी जो बातें हैं प्लीज कीप इन माइंड. सो एट द टाइम ऑफ कोडिंग के टाइम पे आप ये सारी चीजें इंप्लीमेंट कर सकते हो, एंड यू कैन ऑल्सो टेल इन दी वाइवा ऑल्सो कि हमने ये सारी चीजें अप्लाई किया है हमारे प्रोजेक्ट्स में. ठीक है, इट विल बी वेरी हेल्पफुल, यू विल गेट द गुड मार्क्स, क्योंकि यही सारा इंपॉर्टेंट है वेब प्रोग्रामिंग. इसको ही क्या बोलते हैं, वेब प्रोग्रामिंग, जो स्मॉल स्मॉल थिंग्स भी हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं ना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. वैलिडेशन हो गया, ये सारी चीजें हो गया. ओके, स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक्स वगैरह जो, तो कुकीज यू कैन से कि हमने कुकीज भी यूज किया है. ठीक है वगैरह, क्योंकि आप कोई भी वेबसाइट बनाओगे, कोई भी प्रोजेक्ट इफ यू आर डूइंग ऑलरेडी, वो तो अवेलेबल है, बहुत सारा मार्केट में अवेलेबल है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने किया हुआ ऑलरेडी. एवरी ईयर स्टूडेंट सेम ही प्रोजेक्ट रिपीट करते, बट उसमें आपने क्या न्यू किया, दैट यू हैव टू टेल. आपने क्या कुछ न्यू कंसेप्ट उसमें ऐड किया? बुकिंग हो गया, ऑनलाइन शॉपिंग हो गया, कुछ भी. अभी तो रोज कुछ ना कुछ अपडेट होते रहते हैं और एवरीथिंग इज ऑनलाइन. तो आप जो प्रोजेक्ट्स बना रहे हो उसमें कुछ न्यू नहीं है, टॉपिक्स आर सेम, आप वही टॉपिक्स पे काम कर रहे हो. लास्ट ईयर स्टूडेंट्स में मे भी वही टॉपिक्स किया होगा. ठीक है, तो आप उसमें क्या न्यू फीचर्स ऐड कर रहे हो, आप उसमें क्या न्यू नया डाल रहे हो? ओके, दैट यू हैव टू फाइंड, वो आपको करना है. ठीक है, ऑलरेडी जो अवेलेबल हमने इन द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हमने वही पढ़ा कि हाउ टू बिल्ड द सॉफ्टवेयर, क्वालिटी वाइज सॉफ्टवेयर कैसे बनाना है. ठीक है, ऑलरेडी पहला स्टेप क्या है? इन्वेस्टिगेशन. ऑलरेडी बना हुआ है उसको देखो, देन आप डिसाइड करो आपका रिक्वायरमेंट क्या, आप उसमें क्या न्यू डाल रहे हो, देन जो आप न्यू डाल रहे हो वो फिजिबल है कि नहीं, देन फिजिबिलिटी स्टडी. उसके बाद देन फिर स्टार्ट होता है डिजाइनिंग, कोडिंग वगैरह. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यू स्टूडेंट्स. तो प्लीज डू योर प्रोजेक्ट वेरी सिंसियरली. ओके, अच्छे से प्रोजेक्ट करो. आप 10 पेजेस भी बनाओगे तो भी चलेगा, बट प्लीज डू योर सेल्फ. रेडीमेड नहीं लेना है, फ्रेंड्स का भी नहीं लेना. अगर आप फ्रेंड्स का ले भी रहे हो तो उसको खुद इम्प्लीमेंट करो देख के. ठीक है, तो भी आप बहुत कुछ सीख जाओगे. इफ यू हैव द प्रोजेक्ट ऑफ योर फ्रेंड्स तो उसको मत एग्जीक्यूट करो. आप क्या करो, सेम वैसे ही खुद बनाने का ट्राई करो. ठीक है, डिजाइनिंग इन द नेक्स्ट अभी मतलब इसके बाद सेशन, ये स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक्स के बाद हम लोग मास्टर पेज पढ़ेंगे. वी विल शो दी स्टाइल शीट्स वगैरह, थीम कैसे अप्लाई करना है, तो ये डिजाइनिंग भी हम लोग पढ़ेंगे. तो आपको वो भी हेल्पफुल हो जाएगा इफ यू आर डूइंग योर प्रोजेक्ट इन द डॉट नेट. ओके, तो प्लीज जरा उस पर ध्यान दो. ठीक है,